और ये ऑल्टो एलेक्स है, 2007 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है, इसका प्राइस है 19,000। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And hey guys, welcome back to my another video. ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है फोर व्हीलर का ऊपर, जो अभी मैं आया हूँ कार सॉल्यूशन में जो रिश्ता में है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आप वीडियो में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी ज़्यादा मोटिव रहूँगा और नया नया वीडियो लाऊंगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भैया से बात करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कितना क्या दाम है फोर व्हीलर का। फाइनली आप बात कर रहे हैं तो भैया भी तो आ नहीं पाए थोड़ा प्रॉब्लम के लिए, तो भैया से बात कर लेते हैं। अच्छा भैया, ये कार सॉल्यूशन जो है ये कहाँ पर है, ये जगह का नाम क्या है? ये आपका है बाकल में। ये बाकल में? हाँ, बाकल पुराना पेट्रोल पंप के बगल में। ठीक है, तो नंबर दे देंगे तो नंबर में बात करने से प्रॉपरली एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ये ट्रेन से भी आ सकता है, रिश्ता से भी, नगर से भी। तो गाइस चलिए भैया से बात कर लिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तन्मय। तन्मय, आप? अच्छा ठीक है, मैं कोई गाड़ी आपको कुछ लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और कार्ड भी है भैया, वो भी तो आपको दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या गाड़ी स्टॉक में है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। चलिए, सो भैया ये कौन सा गाड़ी है? ये फोर्ड फिगो 2010 का गाड़ी है, 2025 तक टैक्स पेड है। इसका प्राइस है 1,50,000। एसी है, पावर स्टेयरिंग है, सामने दोनों का पावर विंडो है, गाड़ी बहुत अच्छा कंडीशन में है। और ये पूरा ओरिजिनल पेंट है? नहीं, पूरा तो ओरिजिनल, देखिए कोई भी बोलेगा तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टचअप रहेगा ही, क्योंकि रास्ता में गाड़ी चलेगा तो थोड़ा दाग तो लगेगा ही। और इसका जो पेपर जो अपडेट है सब कुछ अपडेट होता है? पेपर तो अपडेट अपडेट रहता है। और प्राइस क्या थोड़ा नेगोशिएबल होता है क्या? ऑन टेबल सब नेगोशिएबल होता है। तो गाइस यहाँ प्राइस इधर हर जगह, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ प्राइस कोई भी फिक्स नहीं है, इधर थोड़ा नेगोशिएबल हो जाता है। ऑन टेबल में आएंगे उसके बाद प्राइस थोड़ा नेगोशिएबल होगा ही, चैलेंज का थ्रू में तो आएंगे तो भैया तो कुछ तो नेगोशिएबल होगा ही, कन्फर्म है ये। चलिए दूसरा गाड़ी दिखाते हैं, एक ना छोड़ा कैटन हो चाहिए। तो भैया ये सुमो का क्या है? ये सुमो गोल्ड है, 2014 का गाड़ी है, 2024 तक टैक्स पेड है, फुल ओरिजिनल पेंट है। ठीक है, इसमें एसी है और इसका प्राइस है 3,50,000। 3,50,000, और इसका भी सब पेपर अपडेट है? हाँ, चारों टायर नया है। अच्छा, और इसमें सब पेपर अपडेट रहता है, इसका भी प्राइस नेगोशिएबल है? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा गाड़ी दिखाता हूँ। तो भैया ये सर्वलेट का कौन सा गाड़ी है? ये चेवरोलेट का बीट है, 2011 का गाड़ी है, 2026 तक टैक्स पेड है। हाँ, इसका प्राइस है 1,30,000। तो इसका इसका भी क्या क्या है इसमें? पावर स्टेयरिंग? हाँ, ये टॉप मॉडल गाड़ी है, बीट LT है, एसी, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है, और फुल ओरिजिनल पेंट है, डॉक्टर का गाड़ी है। ठीक है, डॉक्टर का? हाँ, इसका भी प्राइस नेगोशिएबल है। हाँ, और इसका भी सब कुछ अपडेट रहता है। तो चलिए गाइस दूसरा गाड़ी दिखाते हैं, ये वीडियो में बन के रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वो सरप्राइजिंग गाड़ी है, बहुत कम रेंज में आपको वो गाड़ी मैं दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं भैया ये कौन सा गाड़ी है? ये हुंडई i10 है। हाँ, ये 2008 का गाड़ी है, 2023 तक टैक्स पेड है। हाँ, ठीक है, तो पेपर क्या है इसमें, मतलब अपडेट सब कुछ अपडेट रहता है? हाँ, ऑल पेपर्स अपडेट है गाड़ी का। तो हुंडई i10 है, एसी, पावर स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, इसका भी प्राइस नेगोशिएबल? हाँ, इसका भी थोड़ा प्राइस नेगोशिएबल।
सो गाइस गाड़ी का कंडीशन देखिए, बहुत अच्छा कंडीशन में अभी था। थोड़ा देर पहले बारिश हुआ तो थोड़ा मैला पड़ गया, लेकिन आपको मैं बारिश का पहले फुटेज है उसको मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छा कंडीशन में, मतलब डेकोरेटर बहुत अच्छा है, आपको पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगा। और सरप्राइज गाड़ी जो है वो है मारुति सुजुकी का ऑल्टो, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसका प्राइस आप सुन के बहुत, मतलब जो आप लोग खोजते हो वो मिलेगा आपको। ये कौन सा गाड़ी है भाई? ये ऑल्टो एलेक्स है, 2007 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है। इसका प्राइस है 90,000। ये सो गाइस ये गाड़ी का जो दाम है वो 90,000 है, 90,000। इसके में आपको पावर स्टेयरिंग भी मिलेगा क्या भैया? पावर स्टेयरिंग नहीं है, एसी है इसमें, सिर्फ एसी है। अच्छा, और भैया जो इतना गाड़ी हम मैंने देखा, तो कोई बायबैक स्कीम है, मतलब कोई आपसे गाड़ी लेता है फिर रिटर्न करता है कुछ? वो नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक स्टार्ट नहीं है। एक्सचेंज तो है, एक्सचेंज ऑप्शन है कि आप वही बोलिए, वो तो ऑप्शन है। आप अगर अभी लिए तो कुछ दिन बाद अगर एक्सचेंज करके दूसरा गाड़ी लेंगे तो उसका ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब कोई परसेंटेज क्या है कि कुछ कट के रिटर्न होगा? नहीं, अब तो जैसा मार्केट वैल्यू रहेगा वैसा ही तो आपको प्राइस मिलेगा, वैसे ही मतलब रिटर्न आपको मिलेगा। हाँ, मतलब जितना चलेगा उसके ऊपर जो वैल्यू रहता है वही काट के आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए जिस टाइम पे जैसा वैल्यूएशन रहेगा, मतलब अभी गाड़ी का मार्केट का अलग सा वैल्यूएशन है, कुछ दिन बाद अलग होगा, ऐसे ही मतलब जिस टाइम पे जैसा रहेगा उसके हिसाब से वैल्यूएशन। तो गाइज ये इधर मतलब आप देख लिए जो गाड़ी है ऑन, मतलब जैसा वैल्यू आपको मतलब अभी मार्केट में जाएगा आपको वैसे ही दाम मिलेगा। और आप लोग जानते होंगे दिन दिन जो गाड़ी का वैल्यू है बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम भी बढ़ जा रहा है, तो गाड़ी का वैल्यू ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें आपको अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वैल्यू अभी तक ज़्यादातर आप लोग भी जानते हो गाड़ी का दाम इतना हाई हो गया है, कोई अपना बजट में नहीं आता। लेकिन आप लोग आओ इधर, बहुत अपना बजट में मिलेगा, 90,000 से स्टार्ट है गाड़ी। सो इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको इसका जो अच्छा है, देख लेते हैं इंटीरियर बैठ के। इसका भी जो इंटीरियर है बहुत अच्छा कंडीशन में है, इसका भी जो है इसका भी पावर स्टीयरिंग ही है इसका, हो मतलब सब कुछ और, मतलब कंडीशन बहुत अच्छा है। सीट कवर है, इंटीरियर देख लीजिए बहुत अच्छा कंडीशन में रखा हुआ है। यहाँ का जितना भी गाड़ी है गाइस, कोई भी मतलब ख़राब कंडीशन में ये लोग नहीं रखा। इसका भी मैं दिखाऊंगा आपको, इसका भी जो इंटीरियर है बहुत अच्छा कंडीशन में है गाइस। थोड़ा इधर थोड़ा अंधकार है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इंटीरियर जो है इसका भी अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है। इसका सिर्फ सीट कवर नहीं है, बाकी इसका भी कंडीशन बहुत अच्छा है, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है उसके साथ, सब कुछ है इसमें, बॉक्स सिस्टम भी है, एसी भी है, पावर स्टीयरिंग भी है। और इसका कंडीशन जो है बहुत अच्छा, इसका भी पावर विंडो है, 4 पावर विंडो के साथ आता है ये वाला मॉडल, तो इसका भी हाई मेंटेनेंस किया हुआ है गाड़ी। देखते हैं भाई जो अंदर, मतलब अंदर का कंडीशन आप सिर्फ देख लीजिए, बहुत अच्छा कंडीशन में है गाइस, फुल टू मेंटेनेंस किया हुआ है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सर्विस है गाइस। तो अब पूरा साफ़ सुथरा है, प्लस सीट कवर, इसका सिर्फ सीट कवर नहीं है, इसका सीट कवर लगाना होगा। बाकी जो कंडीशन है अंदर का बहुत अच्छा है, प्लस स्टीयरिंग का भी सब सिस्टम अपडेट है। दूसरा गाड़ी का देखते हैं क्या है, सीट अच्छा कंडीशन में है, पावर स्टीयरिंग फेयरिंग सब कुछ है। इसका जो है इसका मतलब फोटो का जो पावर है विंडो वो भी आप स्विच देख सकते हैं, प्लस पीछे का भी है। ये होंडा का i10 जो भैया बोले हैं, अब इसका इंटरनल मतलब अंदर में दिखा देते हैं इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर तक जो देखें भाई बहुत अच्छा कंडीशन में है, पीछे भी सीट कवर लगा हुआ है, गाड़ी तो फुल मेंटेनेंस है, फुल सर्विस अपडेट है गाड़ी का, जो बहुत अच्छा कंडीशन में है गाड़ी। यहाँ का जो गाड़ी सब है सब अच्छा अच्छा कंडीशन में है। ये भी पावर विंडो है, 4 पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग के साथ बहुत अच्छा कंडीशन में गाइस, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा है। चलो गाइस भैया अपना कार्ड दिए हैं, कार्ड सॉल्यूशन, और हाईली गाड़ी भी है, बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी भी है, और प्लस इधर बहुत मतलब न्यू अपडेट आने ही वाला है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया था,
तो न्यू जब अपडेट आएगा मैं उसको आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा, उसमें भी आपको सरप्राइज बहुत 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 गाड़ी में दिखाऊंगा और बहुत रेंज कम रेंज में भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में अच्छे बन के रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।